एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है हम इस समय ओ लेवल पाइथन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास करा रहे हैं। आज क्लास नंबर 3 है। पिछली क्लासेस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप सभी लोग वहाँ से पिछली क्लासेस देख सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम कोई नई क्लास लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। आज का पहला प्रश्न है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा को सपोर्ट करता है? ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी पाइथन जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। आते हैं प्रश्न नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सा पाइथन लैंग्वेज में एक कीवर्ड नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है एसर्ट, नॉन लोकल, पास, इवेल। तो इवेल इसमें सही हो जाएगा, यानी इवेल जो है एक कीवर्ड नहीं है। इवेल को एक वेरिएबल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है हाउ इज ए कोड ब्लॉक इंडिकेट इन पाइथन। पाइथन में कोड ब्लॉक कैसे इंडिकेट किया जाता है? ऑप्शन है की, ब्रैकेट, इंडेंटेशन, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडेंटेशन। पाइथन में कोड ब्लॉक इंडेंटेशन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट में एक एम्प्टी सेट बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में दो मुख्य प्रकार के फंक्शन क्या हैं? ऑप्शन है बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर फंक्शन, कस्टम फंक्शन, सिस्टम फंक्शन। तो पहला ऑप्शन जो है ए नंबर, ये सही हो जाएगा, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप सभी को क्लास कैसी लगी? सभी लोग कमेंट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप लोग यूं ही सपोर्ट करेंगे तो हम इसी प्रकार अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।